सात महीनों से पूरा देश महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में शायद ही ऐसा कोई वर्ग हो जो इससे प्रभावित ना हुआ हो। वहीं अब त्योहारों पर भी कोरोना का काफी असर पड़ा है। 17 अक्टूबर से शुरू हो रही दुर्गा पूजा भी इससे खासा प्रभावित हुई है। प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम के पास दशकों से देवी की मूर्ति बनाने का काम चला आ रहा है, लेकिन इस कोविड काल में मूर्ति बना रहे कारीगर खासा परेशान है। कारीगरों का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से ना तो पिछले साल की तरह ऑर्डर मिला है और ना ही लोग मूर्ति खरीदने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो उतना इस साल हम लोग का नुकसान तो है ही, और नुकसान में हम लोग का जो ज़्यादा मूर्ति बिकता था इस साल भी कोरोना काल में महामारी में, तो हम लोग का मूर्ति उतना सेलिंग नहीं हो पाएगा। और जो भी होगा तो मान के दाल रोटी कोई तरीके से चलेगा। तो अब जो हमारा सरकार का वो है, तो अभी हम लोग गाइडलाइन, अभी तक का हम लोग का गाइडलाइन नहीं मिला है। हम चाहते हैं जो गाइडलाइन मिल जाएगा तो भी हम लोग का छोटा छोटा मूर्ति निकल सकता है, नहीं तो हम लोग का जो कारीगर विदेश से आया है, कलकत्ता से आया है, तो इन लोग का पैसा। दुर्गा मूर्ति की मांग नहीं होने से परेशान कारीगर अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कारीगरों का ये भी कहना है कि सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने अभी तक जिला स्तर की गाइडलाइंस नहीं जारी की, जिससे उनकी बिक्री में काफी नुकसान हो रहा है। आपके सामने मूर्तियां सब खड़ी हुई हैं, प्रशासन जिस तरह से ये गाइडलाइन दे रही है, पहले केंद्र सरकार ने अनलॉक 4-5 का गाइडलाइन दिया कि आप 200 लोगों का गाइडिंग से आप कर सकते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि एज ए मैं सेक्रेटरी हूँ झूसी बारबरी का, और मैं ये चाहता हूँ कि जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ये दे दिया कि आप अपने हिसाब से करिए, तो उनको भी देना चाहिए कि हाँ सबकी दाल रोटी जुड़ी हुई है। आप अगर पूजा का परमिशन नहीं देंगे, DM परमिशन नहीं देंगे, तो हमारे जो मूर्तिकारक बना रहे हैं हमारे तापस पाल जी, इनका कैसे रोजी रोटी चलेगा। कलकत्ता से आए हैं इनके कारीगर सब यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। ये मूर्ति अगर ये नहीं ले जाएंगे कमेटी वाले, तो इनको कैसे पैसा मिलेगा, कैसे ये सबकी भरपाई करेंगे। अब ये रोड पे आ जाएंगे नहीं तो पिछले गणेश पूजा से ये दिक्कतें होगी। हम लोग कमेटी वाले, हम लोग अपना गाइडलाइन जो भी सरकार का है वो तत्काल हमको दे, तो हम उस गाइडलाइन पर अगर फॉलो नहीं करते हैं तब हमको आप दोषी देंगे। कोरोना काल में हर त्यौहार प्रभावित हुए हैं, ऐसे में दुर्गा पूजा भी से अछूता नहीं है। हम मौजूद हैं प्रयागराज में, और आप देखें यहाँ पर भारी संख्या में मूर्तियाँ रखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कलाकारों की दुविधा ये है कि यहाँ के कलाकार जो है वो परेशान है, क्योंकि अभी तक उतने ऑर्डर्स नहीं आए हैं जितना पिछले साल आए थे। अगर हम बात करें तो तकरीबन 80% ऑर्डर मिलता है, उसमें कमी आई है। ऐसे में सरकार ने गाइडलाइंस तो जारी कर दिया है कि रोड के किनारे मूर्तियां नहीं स्थापना की जाएगी, वहां पूजा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहां पर कितनी भारी संख्या में यहां पर मूर्तियां रखी गई हैं। यहां के लोग का ये कहना है कि अभी तक जिला प्रशासन ने कोई गाइडलाइंस नहीं जारी किया है, जिसकी वजह से वो लोग अभी ये बताने में असमर्थ हैं कि आखिर उनको करना क्या है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर मूर्तियाँ जो है वो बना करके रख दिया है, लेकिन बस अब उनको इंतज़ार है तो ग्राहकों का। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कोरोना ने एक बार फिर से दुर्गा पूजा को अपनी चपेट में लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब के सी TV प्रयागराज।